आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड के वरिष्ठ विधायक का निधन। बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन। लगातार 8 बार विधायक रहे हरबंस कपूर। देहरादून के कैंट विधानसभा सीट से थे विधायक, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं हरबंस कपूर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड के वरिष्ठ विधायक का निधन। बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन। लगातार 8 बार विधायक रहे हरबंस कपूर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हादसा, बड़ी खबर सामने आ रही है, मऊ में स्कूली बस पलटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव का मामला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हुआ हादसा, मऊ में स्कूली बस पलटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव का मामला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हुआ हादसा, मऊ में स्कूली बस पलटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव का मामला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हुआ हादसा, मऊ में स्कूली बस पलटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव का मामला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हादसा होने की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जमाऊ में स्कूली बस पलट गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास यह हादसा हुआ है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मऊ में स्कूली बस पलट गई है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा हादसा होते होते बचा। रानीपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा गांव का बताया जा रहा मामला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हुआ यह हादसा, मऊ में स्कूली बस पलटने से हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, बीजेपी शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराज्यपाल भी रहेंगे मौजूद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेजा गया निमंत्रण, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, बीजेपी शासित प्रदेश के डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराज्यपाल भी होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी भेजा गया निमंत्रण, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर सामने आ रही है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण है, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, आनंदीबेन पटेल और उपराज्यपाल भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी न्योता भेजा गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराज्यपाल होंगे शामिल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निमंत्रण भेजा गया है। कई वरिष्ठ नेता
इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अमेठी आगमन। दो दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार अमेठी दौरा, 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता सक्रिय। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अमेठी आगमन। पीएम मोदी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा आज, आज सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पीएम का आगमन, एयरपोर्ट से संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचेंगे। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव मंदिर से 12 बजे विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।